दोस्तों नमस्कार। आज फिर से कानूनी बातें बताने वाले में मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने कुछ अलग सा और हटके जो विषय आपके सामने रखना चाहता हूं वो है ऋण गारंटर। यानी कभी भी हम किसी लोन लेने वाले आदमी को अगर गारंटर रहना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर क्या आ सकती है, आपके ऊपर क्या बला आ सकती है, उसके बारे में ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा कि क्या रिस्क आप ले रहे हो। पहली बात, ऋण के किसी भी उधारकर्ता के लिए गारंटर बनना, ये पहली बात आप पुनर्विचार क्यों करें ये मैं बता रहा हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब उधारकर्ता डिफॉल्टर हो जाता है तो ऋणी के साथ साथ गारंटर को भी ऋण की अदायगी में समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप नहीं बोल सकते कि भाई साहब मैंने नहीं लोन लिया है, लोन तो उसने लिया है, उसको पकड़ो। बैंक ने किसको पकड़ना है ये बैंक के ऊपर है। बैंक सीधे गारंटर से उसे वो हफ्ता चुकाने के लिए कह सकती है। जब उधारकर्ता और गारंटर दोनों समान भुगतान नहीं कर पाते तो बैंक सीधे उधारकर्ता या गारंटर दोनों या किसी एक के खिलाफ भी वसूली प्रक्रिया चालू कर सकती है, और जिसमें स्वयं गारंटर की संपत्ति की कुर्की भी शामिल हो सकती है, संपत्ति भी अटैच हो सकती है। तो ये जिम्मेदारी वाली बात है। अब हम देखेंगे कि भाई गारंटर की आवश्यकता क्यों होती है। लोन तो मैं ले रहा हूं, मुझे गारंटर की क्या आवश्यकता है, तो उसकी कोई वजह क्या है। यह तब होता है जब ऋण राशि अधिक हो। नंबर एक की बात है कि ऋण राशि अलग है, भाई तुम्हारी औकात क्या और तुम मांग क्या रहे हो। तो अगर मेरी सालाना सैलरी कुछ 10,000 के करीब है और मैं अगर मांग रहा हूं कुछ 10 लाख मांग रहा हूं, तो बैंक बोलेगी भाई तुम्हारी सालाना सैलरी जो है, महीने की सैलरी कम है, सालाना सैलरी 1,20,000, 10 लाख मांग रहे हो, खुद तो गारंटर जी। क्रमांक दो, जब उधारकर्ता के पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, भाई किसी और बैंक से उसने उधार लिया है और वहां वो ऋणकर्ता क्या हो गया, डिफॉल्टर बन गए, तो उसके क्रेडिट स्कोर एकदम खराब है, तो भाई ऐसे आदमी को अगर लोन चाहिए तो उसको गारंटर की जरूरत रहती है। नंबर तीन, यदि उधारकर्ता की आयु अधिक है, यानी 50 के ऊपर है और वो लोन मांग रहा है, तो भाई आदमी गुजर गया, तो जब उम्र कम है तो बात अलग सी रहती है, पर अगर उम्र ज्यादा है तो भाई रिस्क फैक्टर अधिक रहता है। नंबर चार, यदि उधारकर्ता की नौकरी एकदम जोखिम वाली है कि भाई गारंटी नहीं, प्राइवेट नौकरी है, कभी भी उसको निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट का सर्वेंट कैसा उसको मतलब स्टेबल है, कहीं भी जाके भाग नहीं सकते, मिल सकते हैं, तो ये एक जोखिम की चीज रहती है। और नंबर पांच, जब उधारकर्ता की आय अस्थिर हो, यानी आज भाई उसकी 50,000 है, कल उसका 10,000 है, परसों उसका 60,000 है, नर्सों उसका वापिस 20,000, अप डाउन है, तो भाई अगर वो बीच में EMI नहीं भर पाया तो पकड़ेंगे किसको, तो इसलिए गारंटर की जरूरत हुई थी। अब दूसरी बात, एक ऋण गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है ये अब हम देखेंगे। पहली बात, एक अंतर है, उधारकर्ता EMI का भुगतान करता है, गारंटर नहीं करता है, लेकिन दोनों की नाव एक जैसी है, वो दो एक ही नाव में बैठे हुए हैं, ये उनके दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई डूबने वाले तो दोनों डूबने वाले, यानी क्या अंतर है, खाली ये EMI भरने वाला है और EMI भरने वाला नहीं, पर जब डिफॉल्टर होवे, उधारकर्ता डिफॉल्टर होए तो उसको भी भरना है, यानी दोनों एक ही नाव में बैठे। अब नंबर दो, आपको ये देखना चाहिए जब आप किसी का भी गारंटर बनना जा रहे हो तो उसकी EMI का भुगतान नियमित रूप से वो कर रहे कि नहीं कर रहे। मैंने गारंटर है,
जिस आदमी को मैं गारंटर रह चुका हूं उसको मेरी पूछने जिम्मेदारी, भाई तू भर रहा है कि नहीं भर रहा है ये मैं बता दिखा मुझे, क्योंकि अगर वो नहीं भरते तो बैंक तुमको पकड़ेगी, और अगर वो डिफॉल्टर होता है तो वैसे आप भी डिफॉल्टर होते हो। नंबर तीन, ऋण राशि को कम करने के बाद आपकी ऋण क्षमता उसी क्षमता से कम हो जाती है। मान लो आप अगर फ्रेशर हो और आप लोन लेना चाहते हो, आप अगर मान लो बैंक के हिसाब से आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है और आपने किसी को गारंटर के हिसाब से 20 लाख उसने लोन लिया, उसको गारंटर 20 लाख के लिए रह चुके, तो आपकी 30 लाख की औकात बची है, इतना याद रखिए। तो यो अपनी औकात कम कर रहे हैं आप। नंबर चार, बैंक उधारकर्ता या गारंटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यानी एक लोग दिमाग में रखना चाहिए, मैंने पहले जैसे बताया कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि पहले उसने जिसने पैसा लिया है उसको पकड़ो, उससे वसूल करो, फिर मुझे आके छेड़ो। नहीं होता है, बैंक देखते ऐसा लगे पहला गारंटर है ना, ये बहुत इजी है, इसको इजी टारगेट बोलते, इसको हम पकड़ेंगे जल्दी जल्दी, वो तू भाई तू जिसको गारंटर रह चुका है ना उससे तू ही वसूल कर, बैंक तुमसे वसूल कर सकती है। नंबर पांच, यदि ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आपको विलफुल डिफॉल्टर करके घोषित कर दिया जाता है, जिससे आपको उसके बाद कभी ऋण मिल नहीं सकता है, यानी आपको लोन नहीं मिलेगा, ये दिमाग में रखिए। तो यानी बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। अभी कुछ और देखेंगे। लोन गारंटर दो तरीके के होते हैं, एक वित्तीय गारंटर और एक गैर वित्तीय गारंटर। गारंटर अपनी सुरक्षा कैसा कर सकते हैं, तो दो तीन तरीका है। आपको ऋण समझौते के बाद बारे में ज्ञान होना, आप मांग सकते हैं कि भैया मुझे जो एग्रीमेंट और एग्रीमेंट दिखाओ मुझे पढ़ना है। नंबर दो, आप लोन एग्रीमेंट की कॉपी मांग सकते हो, तुम्हारा वो अधिकार है। आपको उधारकर्ता की ऋण राशि का भुगतान करते समय उससे वसूली का अधिकार है, यानी आपसे अगर बैंक ने वसूली किया तो आप उससे भी वसूल कर सकते हो, किससे, उधारकर्ता से, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारा राइट है। अभी कोई खुद को कैसा बचा सकता है ये हम देखेंगे, आखिर की बात है, खुद को कैसा बचा सकते हैं और आप ऐसे गारंटी से बाहर निकलना चाहते हो तो कैसे निकल सकते हैं? तो आप उस गारंटी से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं जिसके लिए कर्ज लेने वाले को एक नया गारंटर ढूंढना पड़ेगा, पर इसके लिए वो बैंक भी तैयार चाहिए। गारंटर बदलने की अनुमति बैंक दे सकते, अगर उसने दे दी, उसने नया गारंटर चुन लिया, आप फ्री हो गए। नंबर दो, आप ऋणी को उक्त गारंटी के खुद को हटाने के लिए अतिरिक्त संपत्ति रखने के लिए बोल सकते हो, भाई तुम्हारे पास एक और फ्लैट है ना, वो फ्लैट रख दे गिरवी और मेरे को छुटकारा करो गारंटी से। तो ये हो सकता है कि उसकी एडिशनल एसेट अगर लगा दी तो गारंटर को बैंक ने एक्सेप्ट किया तो गारंटर हट सकता है। फिर आप खुद के लिए एक बता सकते कि भाई मैं इतने तक ही गारंटी लूंगा, 10 लाख तक की मेरी गारंटी, भाई उसने 50 लाख ले मेरा 10 लाख की गारंटी, और दो चार जन चाहिए तो ले लो गारंटर, आप सीमित कर सकते हैं, ये आपकी सुरक्षित है। तो पहले अगर किसी का गारंटर बनना चाहते हो तो ये सलाह हमेशा दी जाती है, ये समझ लो कि हमेशा अल्पावधि ऋण के लिए गारंटर बनना, भाई लॉन्ग टर्म के लिए मत बनो। नंबर दो, हमेशा एक सुरक्षित ऋण के लिए गारंटर बने, भाई तुम कितने पैसे के लिए गारंटर बने लिख के रखो, मैं 10 लाख तक सीमित हूं या 5 लाख तक सीमित हूं, यानी यू कौन वो एडिशनल भाई उससे वसूल, मेरी इतनी सीमित है, ये करना जरूरी है। और देखे कि ये माय कम होनी चाहिए, यानी उसकी अगर मान लो 50,000 की इनकम है तो भाई 35 या 40% से कम अगर ये माय है तो वो भर सकता है, पर 50% यार ऊपर अगर ये माय है तो भाई वो डेंजर जोन में है, ऐसे आदमी के लिए गारंटर है ना डेंजर बात है। मुझे लगता है ऋण गारंटर इसके बारे में मैंने आपको कम शब्दों में और हट से कुछ बातें बताई है।
गारंटर बनना यानी बहुत बुरी चीज है ये बात नहीं, पर भाई गारंटर बनते समय आपका रिस्क फैक्टर क्या है ये जान लो। आप जानने के लिए जानबूझ के मैंने आपको बताया कि भाई ऋण गारंटर रहने समय पहले आपको खुद को सुरक्षित बनाना है। मुझे लगता है ये वीडियो आपने जो देखा आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए, और किसी और अलग से हट से विषय लेके वापस एक बार आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।